टाइटैनिक का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। टाइटैनिक अपने समय के सबसे बड़े जहाजों में से एक था। हालांकि ये अपनी पहली यात्रा के दौरान ही दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में डूब गया था, लेकिन आज भी अगर हम टाइटैनिक का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में उस विशालकाय जहाज की यादें ताज़ा हो जाती हैं। खैर, टाइटैनिक तो पानी में चलने वाला एक जहाज था, लेकिन जब बात हवा की आती है तो सबसे पहले हिंडनबर्ग का नाम सामने आता है। हिंडनबर्ग एक जर्मन कमर्शियल पैसेंजर एयरशिप था। इस एयरशिप का निर्माण जेपलिन कंपनी के द्वारा 1931 से 1936 के मध्य किया गया था। इस एयरशिप की लंबाई करीब 245 मीटर थी, यानी अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये करीब करीब 13 मंजिलों जितना ऊंचा दिखाई देता। हिंडनबर्ग अपने समय की सबसे लार्जेस्ट फ्लाइंग मशीन और लार्जेस्ट एयरशिप थी, जिसके अंदर भव्यता और विलासिता अपने चरम पर थी। यानी हिंडनबर्ग हर मायनों में अपने प्रतिद्वंदियों से श्रेष्ठ था। यही कारण है कि इस एयरशिप को टाइटैनिक ऑफ द स्काइज भी कहा जाता था। अपने जीवन काल में इस एयरशिप ने कुल मिलाकर 62 सक्सेसफुल फ्लाइट्स पूरी की, लेकिन 63वीं उड़ान में हिंडनबर्ग के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हिंडनबर्ग की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। स्वागत है आप सभी का रहस्य टीम में और मैं हूँ कुलदीप। तो चलिए जानते हैं हिंडनबर्ग की उस अंतिम उड़ान के रहस्य को, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई येल्लो ऐप। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चंद सेकंडों में ही आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इस ऐप के थ्रू आप 500 रुपए से लेकर 5 लाख तक का लोन बिना किसी एक्स्ट्रा झंझट के आसानी से उठा सकते हैं, और वो भी अलग अलग कंपनीज के ऑफर्स को कंपैरिजन करके। यानी आप अलग अलग लोन प्रोवाइडर कंपनीज का इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड, लोन अमाउंट और रेटिंग के आधार पर कंपैरिजन करके अपने लिए बेस्ट प्लान चुन सकते हैं। साथ ही इस ऐप में आपको फ्री में हेल्थ, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक, शॉपिंग और बहुत सी अदर कैटेगरीज के कूपन कोड भी मिलते हैं, जिनको यूज करके आप एक आकर्षक छूट का फायदा उठा सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 मई 1937 सुबह के समय हिंडनबर्ग को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा रहा था। इस एयरशिप के अंदर 16 गैस बैग्स का यूज किया गया था, जिनमें से प्रत्येक करीब 30 मीटर तक लंबा था। इस हिसाब से एक समय में इन सभी बैग्स में करीब 2 लाख क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन गैस आ सकती थी। हाइड्रोजन गैस बाकी गैसों की तुलना में हल्की होती है, इसलिए 20वीं सदी में हाइड्रोजन गैस का यूज एयरशिप को एक निश्चित एल्टीट्यूड देने और उस एल्टीट्यूड को मेंटेन रखने में किया जाता था। 3 मई को शाम करीब 8:15 पर हिंडनबर्ग ने 36 पैसेंजर्स और 61 क्रू मेंबर्स के साथ लेकहर्स्ट, न्यूजर्सी के लिए उड़ान भरी। एयरशिप के नीचे वाले हिस्से में पैसेंजर डेक मौजूद था, जहां यात्रियों को तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती थी। पैसेंजर डेक के आगे एयरशिप के सबसे निचले हिस्से में एयरशिप का कंट्रोल रूम था, जहाँ से शिप को दाएँ बाएँ या ऊपर नीचे ले जाने के लिए पूरा कंट्रोल सिस्टम मौजूद था। रात 8:15 पर हिंडनबर्ग ने लेकहर्स्ट, न्यूजर्सी के लिए उड़ान भरी। उड़ान के करीब 30 सेकंड बाद ये 60 मीटर की हाइट पर पहुंचा तो क्रू ने 1100 हॉर्स पावर के डीजल फ्यूल्ड प्रोपेलर्स इंजन को शुरू किया। उड़ान के करीब 1 मिनट बाद एयरशिप अपनी टॉप स्पीड से आगे बढ़ रहा था। हिंडनबर्ग को अपनी इस यात्रा में 6500 किलोमीटर की दूरी 2.5 दिन में पूरी करनी थी। यानी तय शेड्यूल के अनुसार 6 मई को सुबह हिंडनबर्ग को लेकहर्स्ट के नेवल एयरबेस पर लैंड करना था। बुधवार 5 मई मौसम बेहद खराब था। हवाओं की रफ्तार सामान्य दिनों से काफ़ी तेज थी, इसलिए हिंडनबर्ग अपनी टॉप स्पीड से चलने के बाद भी तय शेड्यूल से 12 घंटे डिले चल रहा था। 6 मई सुबह करीब 6 बजे तय शेड्यूल के अनुसार हिंडनबर्ग को इस समय लेकहर्स्ट नेवल एयरबेस पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन हिंडनबर्ग अभी भी अपनी डेस्टिनेशन से 1113 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए एयरशिप के कैप्टन मैक्स प्रूस के पास हिंडनबर्ग को एयरबेस पर लैंड करवाने और रिटर्न ट्रिप के लिए उड़ान भरने के लिए केवल 16 घंटे बचे हुए थे, क्योंकि 6 मई को रात 10 बजे हिंडनबर्ग को लंदन में होने वाले इवेंट ऑफ द ईयर में शामिल होने वाले वीआईपी लोगों को लेकर लंदन के लिए उड़ान भरनी थी। शाम करीब 2 बजे हिंडनबर्ग अपनी डेस्टिनेशन से 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में न्यूयॉर्क शहर पहुंच चुका था। शाम करीब 3 बजे हिंडनबर्ग लेकहर्स्ट में लैंडिंग साइट के पास पहुंच चुका था और अब ग्राउंड क्रू के द्वारा उसे आसानी से देखा जा सकता था। लेकिन यहां एक नई समस्या हिंडनबर्ग का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ये एयरशिप लेकहर्स्ट के पास पहुंचा तो एक भयानक तूफान ने जन्म लेना शुरू कर दिया, इसलिए बेस कमांडर ने एयरशिप के कैप्टन को ऐसे मौसम में लैंडिंग ना करवाने के आदेश दिए। मजबूरन कैप्टन मैक्स प्रूस ने हिंडनबर्ग को साउथ वेस्ट की तरफ मोड़ दिया और तूफान से दूर जाने लगे। शाम 5:12
अब तक लेखस्ट के ऊपर मंडराने वाला तूफान टल चुका था, इसलिए बेस कमांडर ने कैप्टन मैक्स प्रूस को संदेश भिजवाया कि अब आप लैंडिंग कर सकते हैं। इसलिए कैप्टन मैक्स प्रूस ने एयरशिप को वापस लैंडिंग बेस की तरफ मोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। शाम 6:13 पर हिंडनबर्ग लगातार अपने लैंडिंग बेस की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक हवा की दिशा साउथ ईस्ट की तरफ बदल गई। ऐसी सिचुएशन में अब कैप्टन के पास केवल दो ही चॉइस बची थी, पहली ये कि वो हवा की दिशा के साथ चलते हुए एयरबेस पर पहुंचे, लेकिन इस प्रोसेस में लैंडिंग और भी ज़्यादा डिले हो सकती थी। इसलिए कैप्टन ने सेकेंड ऑप्शन चुना और हवा के विपरीत एक शार्प लेफ्ट टर्न लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन कैप्टन का ये फैसला एयरशिप पर भारी दबाव डालने वाला था। शाम करीब 6:17 कैप्टन ने पहली बार नोटिस किया कि किसी कारणवश एयरशिप का पिछला हिस्सा लगातार भारी होते जा रहा है और आगे वाले हिस्से की तुलना में नीचे झुकता जा रहा है। लेकिन एयरशिप को लैंड करवाने के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन थी कि एयरशिप बैलेंस रहे, इसलिए कैप्टन मैक्स प्रूस ने क्रू को एयरशिप के वाटर टैंक से 1000 किलोग्राम द्रव्यमान जितने पानी को बाहर डंप करने के निर्देश दिए ताकि हिंडनबर्ग को संतुलित किया जा सके। करीब 6:19 पर हिंडनबर्ग लैंडिंग बेस के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था, इसलिए कैप्टन ने एक फाइनल शार्प राइट टर्न लेकर एयरशिप को लैंडिंग एरिया के साथ लाइनअप किया। लेकिन यहां समस्या ये थी कि हिंडनबर्ग का पिछला हिस्सा अभी भी लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, इसलिए कैप्टन ने 6 क्रू मेंबर्स को हिंडनबर्ग के नोज सेक्शन में आकर खड़ा होने के निर्देश दिए ताकि एयरशिप के अगले वाले हिस्से में वजन बढ़ाकर उसे बैलेंस किया जा सके। श्याम करीब 6:19 फाइनली हिंडनबर्ग लैंडिंग एरिया में पहुंच चुका था, इसलिए क्रू ने एयरशिप की स्पीड को डाउन किया और धीरे धीरे लैंडिंग साइट के नज़दीक पहुंचने लगे। लैंडिंग के लिए क्रू को हिंडनबर्ग के नोज सेक्शन से मूरिंग टावर पर एक मूरिंग केबल ड्रॉप करनी थी, जिसे ग्राउंड क्रू के द्वारा मूरिंग टावर से अटैच करके एयरशिप को धीरे धीरे ज़मीन के नज़दीक लाया जाता। लेकिन इससे भी पहले एंकर रोप्स ड्रॉप करनी होती थी ताकि ग्राउंड क्रू इस रोप्स के सहारे एयरशिप को मूरिंग टावर से दूर जाने से रोक सके। करीब 6:20 पर पहली एंकर रोप ड्रॉप की गई, इसके तुरंत बाद दूसरी एंकर रोप ड्रॉप की गई। अभी ग्राउंड क्रू एंकर रोप के थ्रू हिंडनबर्ग को बैलेंस करने में बिजी था कि अचानक 6:25 पर हिंडनबर्ग के पीछे वाले हिस्से में आग लग गई। आग लगते ही हिंडनबर्ग का पिछला हिस्सा तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा, वहीं एयरशिप का आगे वाला हिस्सा हवा में 100 मीटर तक ऊपर उठ गया। इस समय हिंडनबर्ग में 97 लोग मौजूद थे। कोई कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता उससे पहले ही आग एयरशिप के पिछले हिस्से से होती हुई हिंडनबर्ग के नोज सेक्शन से बाहर निकलने लगी। अगले ही सेकंड एयरशिप के सभी 16 एयरबैग्स में मौजूद हाइड्रोजन गैस में एक साथ आग लग गई। देखते ही देखते पूरा एयरशिप एक साथ जलने लगा। मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग मशीन जलकर खाक हो गई थी। लेकिन गनीमत ये रही कि इस 30 सेकंड के ड्यूरेशन में अधिकतर पैसेंजर्स एयरशिप की पैसेंजर डेक की खिड़कियों को तोड़कर बाहर कूदने में कामयाब रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश 13 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर हिंडनबर्ग के अंदर ही कैद हो गए, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जब ये घटना हुई तो उस वक्त ग्राउंड पर मौजूद एक ग्राउंड क्रू मेंबर भी इसकी चपेट में आ गया, जिसके कारण इस भयानक हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 62 खुशकिस्मत लोग अपनी जिंदगी बचाने में कामयाब रहे। ये हादसा इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और मात्र 30 से 40 सेकंड में ही पूरा एयरशिप जलकर तबाह हो गया था। यही कारण है कि आज तक इस घटना की असल वजह को लेकर बहुत सी थ्योरीज और परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, लेकिन कोई भी घटना के मेन रीजन तक पहुंच पाने में सफल नहीं हुई। लेकिन इन सब में से एक थ्योरी ऐसी है जो घटना की रियल वजह को एक्सप्लेन करती हुई दिखाई दे रही है। प्रत्यक्षदर्शियों, सर्वाइवर्स के इंटरव्यू तथा एयरशिप के मलबे से प्राप्त डेटा के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस घटना की मुख्य वजह हिंडनबर्ग में यूज किए गए ब्रेसिंग वायर्स थे। दरअसल हिंडनबर्ग के ढांचे को एक जगह बांधे रखने के लिए करीब 200 किलोमीटर जितने लंबे ब्रेसिंग वायर्स का अलग अलग टुकड़ों के रूप में यूज किया गया था, जिसमें से प्रत्येक 3 मिलीमीटर पतला और स्टील से बना हुआ था। इन वायर्स की ब्रेकिंग स्ट्रेस करीब 450 किलोग्राम थी, यानी ये वायर 450 किलोग्राम का दबाव सहन कर पाने में सक्षम थे। यानी हिंडनबर्ग अचानक से लिए गए किसी भी शार्प टर्न के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। लेकिन जब हवा की दिशा बदलने के कारण कैप्टन मैक्स प्रूस ने हवा के खिलाफ एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया तो इससे एयरशिप पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पैदा हुई, जिसने एयरशिप की टेल साइड में एक ब्रेसिंग वायर को ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद ये वायर गैस बैग्स के प्रोटेक्टेड कवर्स को चीरता हुआ आगे चला गया,
जिसके कारण हिंडनबर्ग के पिछले हिस्से के एयरबैग्स में से हाइड्रोजन गैस लीक होने लगी। इसके अलावा लैंडिंग से पहले जब हिंडनबर्ग तूफान से गुजर रहा था तो तूफान में लाइटिंग इफेक्ट की वजह से एयरशिप के चारों तरफ हाईली चार्ज इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। लेकिन अभी एयरशिप को इससे कोई भी खतरा नहीं था क्योंकि हिंडनबर्ग का एल्यूमिनियम से बना आंतरिक ढांचा और आउटर स्किन हाईली चार्ज इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर के बराबर ही आवेश रखते थे। लेकिन जैसे ही 6:20 पर एंकर रोप्स ड्रॉप की गई तो एयरशिप का अर्थ से कॉन्टैक्ट हो गया। लेकिन अभी तक भी एंकर रोप्स ड्राई थी इसलिए एयरशिप को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 6:25 तक बारिश की वजह से एंकर रोप्स गीली हो गई जिसके कारण एयरशिप का अर्थ से सीधा कॉन्टैक्ट स्थापित हो गया और अब इन्हीं रोप्स के माध्यम से एयरशिप के मेटल फ्रेम से आवेश अर्थ की तरफ मूव करने लगा। यानी अब एयरशिप के मेटल फ्रेम का आवेश जीरो हो चुका था लेकिन एयरशिप की आउटर स्किन जो एल्यूमिनियम कॉटन मिक्सचर से बनी हुई थी वो अब भी उच्च आवेशित थी क्योंकि एल्यूमिनियम कॉटन का मिक्सचर इलेक्ट्रिसिटी या आवेश को आसानी से कंडक्ट नहीं करता। यानी अब हिंडनबर्ग का मेटल फ्रेम जीरो वोल्टेज पर था तो वहीं आउटर स्किन अब भी हाई वोल्टेज कंटेन किए हुए थी। वोल्टेज की इसी अनियमितता ने मेटल फ्रेम और आउटर स्किन के मध्य एक स्पार्क को जनरेट किया जिसने लीक होती हुई हाइड्रोजन को इग्नाइट कर दिया और देखते ही देखते आकाश का टाइटेनिक कहे जाने वाला हिंडनबर्ग मात्र 30 सेकंड से भी कम समय में धराशाही हो गया। वेल, आपको क्या लगता है, क्या कैप्टन मैक्स ब्रूस का उस सिचुएशन के हिसाब से एक शार्प लेफ्ट टर्न लेने का निर्णय सही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले शनिवार शाम 6 एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।